हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर डेमोक्रेसी, जो कि हम पहले फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या था, हमारे लेसन का क्या नाम है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। तो कल हमने क्या समझा कि डेमोक्रेसी क्या है, कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि लोकतंत्र में जो है लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारे प्रमुख फैसले लेते हैं, और चुनाव जो लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें विकल्प उपलब्ध कराते हैं, और मौजूदा शासक को बदलने के लिए जो हो चुनाव का विकल्प होता है, और यह विकल्प और यह अवसर जो सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध भी होता है, और चुनाव से बनी सरकार जो है संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को ही मानते हुए सीमित दायरे में ही अपना काम करती है। तो लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र में सभी को समान रूप से वोट डालने का और समान अधिकार दिए जाते हैं। अब हम डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी और मोनार्ची सिस्टम में क्या अंतर है, राजतंत्र, तानाशाह और लोकतंत्र में क्या अंतर है। तो हम लोकतंत्र को ही बेस्ट जो है गवर्नमेंट मानते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो है लोकतंत्र ही है। पूरे विश्व में लोकतंत्र से अच्छी सरकार नहीं हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं और सभी के हितों की रक्षा भी की जाती है। आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में ऐसी कौन सी क्वालिटी हैं, ऐसे कौन से गुण हैं कि भाई जिस कारण जो है डेमोक्रेसी ही एक अच्छा शासन है। हम ये पढ़ेंगे कि एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म है डेमोक्रेसी ही कैसे है। तो डेमोक्रेसी में अच्छी क्यों है, किसी भी चीज़ की मतलब अच्छा साबित करने के लिए उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, यानी कि गुण और अवगुणों पर हम चर्चा करते हैं। तो लोकतंत्र के गुण क्या है ये समझने के लिए कि भी लोकतंत्र में, मैंने जैसे आपको बताया कि लोकतंत्र का फर्स्ट गुण क्या है कि लोगों के द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, और लोगों को शासक बदलने के लिए निष्पक्ष चुनाव भी होते हैं। चुनाव ऐसा विकल्प होता है जिससे अगर लोग उस शासक को पसंद नहीं करते हैं तो उस गवर्नमेंट को वो चेंज कर सकते हैं, और सभी को जो है वोट डालने का समान अधिकार होता है। छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं होता, अमीर गरीब में सभी को समान अधिकार से जो है वोट डालने का अधिकार होता है, और वो अपनी पसंद के नेता को चुन सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो है योलादा, तागिनी, जेनी, रिबियान, ये जो आपको एग्जांपल दिए गए हैं, एक क्लास के एग्जांपल दिए गए हैं कि जेनी, पाइमोन, ये जो है क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन कि लोकतंत्र ही क्यों, कि वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म क्यों है कि जिसको पसंद किया जाए और स्वीकार किया जाए, ये सब देशों के सामने सवाल था। तो डेमोक्रेसी के अब हमने गुण जो है सीख लिए, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी के अर्थ में ही उसके गुण मिल गए हैं कि क्या गुण है। अब आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आप क्लास ही लीजिए अपनी, अपनी क्लास में जैसे आपकी एक टीचर ऐसी है कि जिससे आपको डर लगता है, उसके सामने आप कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जो है कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते हैं, डर के मारे चुप रहते हैं। तो क्या आप ऐसी टीचर को ऐसी क्लास में बैठना पसंद करेंगे? एक क्लास आपके सामने इसका विकल्प ये है कि एक ऐसी है कि उस टीचर के सामने आप जो है खुलकर बात करते हैं, अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और जो है सेटिस्फाइज भी होते हैं उन आंसर्स को, टीचर आपके आंसर भी देती है अच्छी तरह से। तो आप कौन सी क्लास में बैठना पसंद करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप उसी क्लास में बैठेंगे कि जहाँ आपको आज़ादी मिले क्वेश्चन करने की, आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकें, उनके सामने बोल सकें और उनके आंसर जो है पा सकें। तो यही लोकतंत्र की खूबी है, लोकतंत्र में भी हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब जैसे आप आजकल न्यूज़ देख रहे हैं, ज़्यादातर न्यूज़ में देखते हैं किंग जोंग जो उत्तर कोरिया का एक ऐसा शासक है जो बिल्कुल डिक्टेटरशिप उसने स्थापित की हुई है। न्यूज़ में बार बार आ रहा है कि किम जोंग जो है वो एक तानाशाह शासक है, और उस देश में किसी को भी आज़ादी नहीं है अपनी बात कहने की, ना मीडिया को ना न्यूज़पेपर को, और उसी के अनुसार शासन होता है। ये आप देख रहे हैं आजकल फ़िलहाल अभी न्यूज़ में बिल्कुल आ रहा है। तो क्या आप ऐसे राज्य में रहना पसंद करेंगे? इसलिए भी हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, और डेमोक्रेसी ही एक जो है लोकतंत्र ही एक अच्छा शासन है, यानी कि लोगों के द्वारा किया गया शासक। अब लोकतंत्र के जो है हमने पक्ष में अभी तक गुणों की चर्चा की, अब उसके विपक्ष में क्या क्या है कि जो है लोकतंत्र में विपक्ष के बारे में क्या क्या बताया गया है कि लोकतंत्र के जो है
आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अब लोकतंत्र के खिलाफ जो है क्या 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 पक्ष हैं उसके अगेंस्ट में, तो जो है लीडर्स की चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में जो है नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती है, और डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशंस एंड पावर प्ले, देर इज़ नो स्कोप फॉर मोनार्किटी, यानी कि लोकतंत्र में सिर्फ जो है राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। और नेक्स्ट जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है, और चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले भी हो जाते हैं, कई बार मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। अब जो है लोकतंत्र में चुनावी लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, बार बार चुनाव करवाना जो है खर्चे का काम होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है कि चुनाव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाए और जो ज़्यादा पैसा लगाए वो जीत जाए, तो भ्रष्टाचार की भी संभावना है, और यानी कि करप्शन जो है फिर फैलता है इससे। तो ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो दैट नाउ व्हाट इज़ गुड फॉर देम, कि मतलब ज़्यादातर सामान्य लोगों को ये पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए, ये इसके विपक्ष में जो है अगेंस्ट जो है डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट दिए गए हैं। तो लोकतंत्र के खिलाफ जो है ऐसी ऐसी तर्क दिए गए हैं जिनसे जैसे चुनाव में खर्चा होना और लोगों को अपने सही और अच्छे का फर्क पता नहीं होता, किसी को भी वोट दे देते हैं और कोई भी बुरा लीडर जो है वो सत्ता में आ जाता है और फिर अच्छे कार्य नहीं करता है। तो क्या आप जो है इन सब तर्कों से जो है आप सहमत हैं? तो आपने जो है लोकतंत्र के गुण और अवगुण दोनों के बारे में पढ़ा, तो डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, तो क्या डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा शासन है कि भाई जो है ऐसी फॉर्म है कि जिसकी लोगों को ज़रूरत है, और डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए। अब आप दोनों पक्षों पर विचार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, अब लोकतंत्र के जो पक्ष और विपक्ष में तर्क पढ़ चुके हैं, कई देशों के एग्जांपल भी हैं, जिम्बाब्वे, चाइना और पाकिस्तान, और सऊदी अरब में जैसे औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप लेसन में देख चुके हैं। तो क्या आपके हिसाब से जो है लोकतंत्र सही फॉर्म है सरकार की, जो है बेटर है? लोकतंत्र का आधार जो है व्यापक चर्चा और बहसें हैं, तो क्या लोकतांत्रिक फैसले में जो है ज़्यादा लोग शामिल होते हैं? आपके क्या विचार हैं इस बारे में, लोकतंत्र के बारे में? तो लोकतांत्रिक शासन जो है प्रति दूसरों से बेहतर क्यों है, ये आप बताइए। तो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि लोकतंत्र जो है बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, लोकतंत्र में जो है मतभेद कम होते हैं और टकराव को संभालने का तरीका भी उपलब्ध होता है। तो क्या आपके हिसाब से जो है डेमोक्रेसी ही सही है? डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब जो है डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेसी जो है हमें क्या प्रदान करती है, क्या देती है? सभी नागरिकों को सम्मान देती है और एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो वाद विवाद होता है, उसमें जो है टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। और लोकतंत्र में जो है डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, लोगों की जो है लोकतांत्रिक नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, लोकतंत्र में जो है नागरिकों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है, समान रूप से सम्मान बढ़ाया जाता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि लोकतंत्र जो है कि बेटर है? हाँ, जो है फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, लोकतंत्र में एक ये विकल्प अच्छा भी है कि चुनाव के द्वारा हम उस शासक को हरा सकते हैं, सत्ता से गिरा सकते हैं और अपना दूसरा प्रतिनिधि जो है चुन सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर प्राप्त होता है
और इसमें जो है मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि गलतियां जो है किसी भी सत्ता में आए हुए लोग जो अपोजिट में पार्टी बैठी हुई होती है वो जो है सत्ता में बैठी हुई पार्टी पर नज़र रखती है और उनकी मिस्टेक जो है ज़्यादा लंबे समय तक छुप नहीं सकती, जनता के सामने आ जाती है और हम अपना नेता जो है बदल सकते हैं। तो जो है डेमोक्रेसी से अच्छी गवर्नमेंट सरकार और नहीं हो सकती है। अब जो है दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती हैं उनमें ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, तानाशाह शासक होता है, वो अपने ही रूल चलाता है। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, राजतंत्र होता है, एक के बाद एक जो है नेता उसमें अपने आप ही शासन पीढ़ी दर पीढ़ी वंश दर आ जाता है, तो उसमें भी ये गुंजाइश नहीं होती, इसलिए लोकतंत्र बेहतर है। अब लोकतंत्र का आधुनिक रूप, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी का जो वृहत रूप अर्थ है, जो आधुनिक रूप है वो क्या है कि सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और ये बहुमत भी जो है स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग नहीं होते कि हर बात के लिए सबको साथ बैठना पड़े, साथ बैठकर फैसला करना जो है असंभव हो, इसलिए यह संभव हो जाता है कि हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय और योग्यता इच्छा नहीं होती, कौशल नहीं होता, इसलिए उनके प्रतिनिधि जो है उनकी जगह काम करते हैं। अब लोकतांत्रिक जो है फैसले का मतलब क्या होता है कि जो है लोग सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी कि विचार विमर्श करने के बाद ही किसी निश्चित निश्चय पर पहुंचा जाता है। तो लोकतंत्र इसीलिए जो है डेमोक्रेसी एक सबसे बेटर मोनार्की सिस्टम में डिक्टेटरशिप में एक अच्छी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की, इसलिए डेमोक्रेसी को अपनाना चाहिए। इसलिए डेमोक्रेसी जो है एक पावरफुल फॉर्म है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सभी जो है संगठन के लिए, हर चीज़ में जो है लोकतंत्र जो है बेटर है, हम जो कि हम समझ चुके हैं। दिस डेमोक्रेसी इज आल्सो ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, अब जो है लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, इसलिए लोकतंत्र जो है बेस्ट है। और देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब हम जो है किसी भी व्यक्ति को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी, लोकतंत्र में जो है प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने का समान अधिकार होगा, समान वोट का अधिकार होगा और हर नागरिक को इसके लिए सूचना भी प्राप्त होगी, समान उपलब्धता भी होगी, बुनियादी शिक्षा संसाधन और उनकी पक्की निष्ठा भी होगी, तभी जो है हम डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट को फॉर्म में ला सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विशेड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स लाइक मोनार्ची डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि जो है लोकतंत्र को अब आप इन सभी फॉर्म में से समझ चुके हैं कि डिक्टेटरशिप में, राजतंत्र में, तानाशाह में और एक दल के शासक में, सब में से जो है डेमोक्रेसी ही बेटर है, क्योंकि नागरिकों को जो है राजनीति में समान रूप से हिस्सेदारी दी जाती है, इसलिए अधिकांश देश जो है वो लोकतंत्र को अपना रहे हैं, लोकतंत्र के उनको अपनाना चाहते हैं और लोकतंत्र ही एक अच्छी सरकार स्थापित कर सकती है और देश में बैलेंस बनाए रखने के लिए भी जो है क्या है लोकतंत्र डेमोक्रेसी जरूरी है, इसलिए लोकतंत्र ही बेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट की है। आपने ये सीखा कि डेमोक्रेसी के क्या गुण हैं, क्या गुण हैं और डेमोक्रेसी ही डेमोक्रेसी का अर्थ, डेमोक्रेसी की संस्था, डेमोक्रेसी की सरकार ही क्यों चाहिए, हमें लोकतंत्र ही क्यों चाहिए, इस बारे में हम इस लेसन में रीड कर चुके हैं।